हेलो माय क्यूटीज़, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जो नए हैं। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सो सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। और हाँ, आज मेरा फास्ट है, और मेरी दी का भी फास्ट है, तो हमने कुछ खाना तो है नहीं। जो भी खाएंगे आपको दिखाते रहेंगे, और मैं भी आपको अपना मंदिर भी दिखाऊंगी। अभी हम मंदिर होके आ गए हैं, भगवान में प्रसाद चढ़ा के आ गए, पर वहाँ मैं फ़ोन नहीं ले गई क्योंकि श्रद्धा, फ़ोन वहाँ चलाऊंगी तो फिर ऐसे कैसे चलेगा ना, इसीलिए। बट मैं आपको अपने घर का मंदिर दिखाती हूँ। ओके, हमारा मंदिर 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 होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा है, बट आई लव। तो ये देखिए हमारा मंदिर, तो ये है गाइस। और अभी चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा। इतना कुछ खास तो होगा नहीं, बट फिर भी जो भी होगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। ओके, मिलते हैं बाद में। और ये है हमारी टोकरी मंदिर में जो हम लेके जाएंगे। ये है, इस पर फ्रूट्स वगैरह हैं, पिठाई, बत्ती। A few moments later. हम अभी दूध पी रहे हैं और थोड़े से बेर खा रहे हैं, तो यही है हमारा आज खाना, क्योंकि फास्ट है ना, इतना भर भर के तो खा नहीं सकते। समझ रहे हो ना? तो गेस व्हाट, आज हमें मंदिर में उन्होंने दिया, एक अंकल थे, उन्होंने दिया हमें रुद्राक्ष। उन्होंने बोला कि इसे गले में पहनना, पर इसमें छेद तो है नहीं, पता नहीं छेद कैसे करेंगे। देखते हैं, उनसे पहनते हैं या फिर क्या, पता मंदिर में ही रख, देखते हैं। A few moments later. So, hello दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ हमारी यहीं पे एक एवरीडे वहाँ पे सामान लेने। रात को हलवा बनेगा शायद, शायद क्या बनेगा, तो उसके लिए शायद नहीं, पक्का बनेगा हलवा, पक्का बनेगा क्योंकि बनता तो है ही। और उसके लिए मैं लेने जा रही हूँ एक नारियल, किशमिश और बादाम है हमारे घर में, और थोड़े से काजू भी लाऊंगी और सूजी भी लेके आऊंगी। तो चलो चलते हैं, वहाँ से लेके आऊंगी तब आपको दिखा दूंगी। तो मैं जा रही हूँ दोस्तों, अब एवरीडे में मैं रास्ते में हूँ, तो आपको दिखाऊंगी। ओके, सामान लेके आ गई हूँ। और देखो मैंने मास्क भी लगा रखा है, इसमें मास्क लगाना चाहिए, और अब मैं मास्क रिमूव करूँगी। मैं सामान लेके आ गई हूँ, वैसे मैंने आपको बता दिया था क्या क्या लेके आऊँगी, वही लेके आई हूँ, बट दिखा भी देती हूँ एक बार। तो चलो देखते हैं। हाँ, ब्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि मुझे लगा क्या पता वो मना कर दे, मैंने उनसे पूछा भी नहीं, तो सॉरी। तो ये है नारियल, फोकस नहीं हो रहा, नारियल। ये ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें बोला तोड़ के दिखा दो, कहीं ख़राब ना हो अंदर से, इसलिए ये है नारियल। और ये है सूजी, सूजी, ये है सूजी, और ये है किशमिश, और लास्ट फेवरेट बट नॉट काजू, सबके फेवरेट काजू। तो यार बस यही लेके आई हूँ, अब आगे का मैं आपको दिखाती रहूँगी, जो भी होगा आज वैसे दिखा दूँगी। ओके चलो चलते हैं फिर। ये देखो मेरी मम्मी झंगोरू, झंगोरू बोलते हैं ना मम्मी से, हाँ, झंगोरू साफ कर रही है। ये गढ़वाल में मिलता है, यहाँ भी मिलता है, पर यहाँ बहुत महंगा मिलता है। झंगरेयाल बोलते से, और आज मम्मी लोग यही खाएंगे। और क्या बना रहे हो इसके साथ? कढ़ी बनाऊंगी। कढ़ी, देखो कितना अच्छा खाना बना रहे हैं, आज के दिन हमारा फास्ट है, ये कढ़ी और झंगोरू। गाइस धूप आई है, कितनी मस्त धूप आ रखी है। और ये है हमारे थोड़े से प्लांट, मैं आपको दिखा देती हूँ। आज धूप तो बहुत अच्छी आ रखी है, पर इतनी ज़्यादा हमने धूप ले ली है, विटामिन डी इतना ले लिया है कि अब जल रहा है शरीर। और हमारे यहाँ पे ये ग्राउंड भी है, यहाँ इतनी धूप में देखो बच्चे खेलने आ रखे हैं, ये देखो, ये देखो। और ये सामने जो घर है ना, ये मेरे रिलेटिव का घर है, मेरी बुआ जी का घर है।
ओके, तो जब मम्मी बनाएगी झंगोरू झंगरेल जो भी बोलते हैं और कड़ी, तब मैं मिलती हूँ आपसे। ओके बाय। तो ये रही मेरी बहन और हम दोनों का फास्ट है। दीदी हाय बोलो। हाय। तो ये देखिए ये मेरी बड़ी बहन है और आज हम दोनों का फास्ट है। हम मंदिर से होके भी आ चुके हैं और मेरी आँखें नहीं खुल रही है धूप में, इसलिए मैं अब छाया में आँखें खोल के दिखा रही हूँ। गढ़वालियों की आँखें थोड़ी छोटी होती है, छोटी होते हैं। तो हम आपको मिलते हैं जब हम दिन का खाना बनाएंगे। ओके बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। देखिए अब हम आ गए हैं किचन में और यहाँ पे मम्मी कड़ी बनाने की तैयारी कर रही है। और ये है कड़ी में जो डालते हैं, मम्मी बताना इसमें क्या क्या है। पहले दही डाली, उसके बाद बेसन डाला, उसके बाद नमक मिर्च नमक हल्दी डाली और बस। सब कढ़ाई रखूँगी, कढ़ाई में तेल डालूँगी, तेल के बाद उसमें लहसुन जीरा डालूँगी और अजवाइन डालूँगी, कस्तूरी मेथी डालूँगी, प्याज़ा डालूँगी, उसके बाद इसे सौंक दूँगी। ठीक है। और यहाँ पे अभी चावल रखे हैं, अभी कढ़ाई में मम्मी से बनाएगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। और उसके बाद झंगोरू भी बनेगा, हमारी स्पेशल जो गाँव की होती है डिश, उसे भी दिखाऊँगी। तो ये मम्मी ने यहाँ कढ़ाई रख दी है तो रेडी। अब मम्मी तेल डाल रही है इसमें, ये देखो कढ़ाई में तेल जा चुका है और अब इसमें जाएगा ये क्या है मम्मी, प्याज, लहसुन प्याज, लहसुन और प्याज का तड़का देंगे हम। ये गया, अरे कोई बात नहीं, गर्म हो जाएगा साथ साथ ही। इसके बाद जीरा बाद में डालते हैं, कोई नहीं डाल देते साथ। ठीक है डाल दो, बाद पहले भी डाल सकते हैं, हमने बाद में डाल दिया, कोई बात नहीं। इसके बाद कस्तूरी मेथी, इसका बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो इसे तो पक्का ही डालना। इसके बाद ये भी बहुत अच्छा होता है अजवाइन। इसके बाद ये है अजवाइन, अजवाइन से पाचन भी थोड़ा अच्छा रहता है तो अजवाइन भी जरूरी। ये डल चुका है सब कुछ तो इसको थोड़ा भी भुनने देते हैं, उसके बाद जब ये डालेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। ओके। अब मम्मी हरी मिर्च डाल रही है, हरी मिर्च डाल रही है, डाल दो मम्मी। कड़ी में मिर्च अच्छी लगती है, हम रेड वाली नहीं डाल रहे क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा डेंजरस होती है, हरी थोड़ी सही रहती है इसलिए। अब मम्मी डाल रही है इसमें ये बेसन का जो घोल बनाया मम्मी ने, कड़ी का जो होता है। ये गया कढ़ाई में, ये गया सारा। अब इसको मिक्स कर लो। अब ये जो बचा है इसे वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे हम और उसको भी यहीं पे डाल देंगे, है ना, क्यों वेस्ट करना है, पानी तो डालना ही है। और ये भी गया यहाँ बस। अब इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, इसके बाद नमक पड़ेगा, इसके बाद तो नमक मिर्च पड़ेगा। ओके। अब ये नमक डाल रही है मम्मी, नमक डाल दो मम्मी, अपने अकॉर्डिंग डाल देना, हम थोड़ा नमक में तेज खाते हैं इसीलिए, बट मैंने तो नहीं खाना आज, मम्मी लोग खाएंगे, पापा भैया। हो गया ना मिर्च, और वो बाद में डालोगे क्या मिर्च वगैरह? मिर्च और बाकी मसाले हमने पहले डाल दिए थे इसलिए हम वो अभी नहीं डाल रहे, आप भी आपके अकॉर्डिंग पहले डाल देना, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, बाद में भी थोड़ा ऊपर से डाल सकते हो। तो बस अब इसे पकने के लिए रख देते हैं, मिलते हैं बाद में जब झंगोरा बनाएंगे। ओके। ये देखिएगा इस कड़ी कितनी उबल रही है, अब इसको हम थोड़ा और उबालेंगे तो फिर ये थोड़ी कम होगी, थोड़ी गाढ़ी होगी तो तब इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये है कड़ी, और झंगोरू बनाने के लिए हमने एक फ्राई पैन में ये रख चुका है, ये पानी रख दिया, उबल रहा है इसको क्योंकि इसको उबलते पानी में ही डालते हैं। मम्मी ने भिगा रखे थे झंगोरू, अब मम्मी इसमें डालेगी। ये मम्मी डाल रही है, ये गया झंगोरू उबलते खोलते हुए पानी में, मज़ा आ गई उसकी तो इतनी ठंड में। ये गया यहाँ पे, चलो ये डाल दिया मम्मी ने, अब ये मम्मी ने घुमा दिया, ये मम्मी ने घुमा दिया है। अब इसके बाद मम्मी इसका पानी निकाल देगी, अभी निकालोगे बाद में? बंद कर, अभी निकाल रही हूँ। ये मम्मी ने घुमा दिया है और अब मम्मी इसका पानी निकालेगी, मम्मी अभी निकालोगे बाद में? नहीं अभी निकाल। अच्छा अभी इसका पानी निकलेगा। गाइस ये पानी निकल चुका है झंगरियाल का, अब ये दोबारा गैस में जाएगा। अब मेरी मम्मी ने ये घुमा दिए हैं, मम्मी इसमें आप पानी डालोगे? नहीं, ऐसे ही पकाना है इसे, ढक्कन लगा दूंगी गैस कम कर दूंगी। अच्छा देखो ये बिना पानी के पकता है, मतलब इसे पहले उबलते हुए पानी में डालना है और फिर पानी निकाल देना है, ये उल्टा है चावल का, तो ये ऐसे बनता है। ठीक है बाद में दिखाऊंगी आपको मैं
जब पूरा बन जाएगा। ये देखिए ये झंगोरू बन चुका है और ये देखिए पास से, और ये है कड़ी और इसके साथ है हरी सब्जी। A few moments later. शाम की तैयारी कर रहे हैं हम, हलवा बनाएंगे उस पर हम डालेंगे नारियल। तो ये मैं नारियल कस रही हूँ और ये जो कैमरा मैन है वो मेरी सिस्टर है, उन्होंने पकड़ रखा है। तो अभी हम आपको दिखाते रहेंगे और क्या क्या बनेगा। Okay. सूजी बनाने की तैयारी है। हाँ सूजी बनाएंगे हलवा। हेलो, तो हम आ गए हैं वापस से। ये मम्मी ने डाल दिया है तेल और ये बहुत गर्म हो गया है। इसमें इस पे जाएगा जीरा जो मुझे बहुत पसंद है, आई लव जीरा 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 जीरा। अब इसमें जाएगी कस्तूरी मेथी, मम्मी बहुत डाल देना अच्छी लगती है कस्तूरी मेथी। हेलो, अब मम्मी डाल रही है इसमें आलू आराम से। ये आलू गए, अब मम्मी इसमें डाल रही है मसाले। सबसे पहले मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना, हम तो तेज ही खाते हैं। देखो कितनी ज़्यादा मिर्च डाली है, और हल्दी, उसके बाद नमक। सो हेलो गाइस, अब शाम हो गई है, पूजा करने का टाइम हो गया है। तो अब मेरी दीदी और मैं पूजा करेंगे और उसके बाद थोड़ा आधा खाना बन चुका है और आधा अब बनाएंगे। तो मिलते हैं आपसे उसके बाद। ओके बाय। और अब मैं हमने पूजा कर लिया, हम पूजा करके आ गए हैं। अरे ये रहे मेरे पापा, आप मेरे पापा से नहीं मिले थे। पापा हेलो बोलो। हेलो। आ गई हूँ और हम सूजी बना रहे हैं, हम घी डाल रहे हैं और हम देखो आज नए तरीके से परेसर में बना रहे हैं। तो आप भी देखना कैसी बनती है। और मम्मी ने घी डाल दिया, ज़्यादा घी डाल के ज़्यादा स्वाद आता है। तो ये घी डल गया है और ये गर्म हो रहा है कि ये देखिए आप। अब ये सूजी डलेगी, इसको अच्छे से भून देना, मुझे तो ब्राउन पसंद है। तो मैं इसे मम्मी को मैं बोलूँगी ज़्यादा भूनना, मम्मी मम्मी ज़्यादा भूनना। ये जली गई सूजी भी, अब मम्मी से भून रहा है, मम्मी भून रही है। इसको भूनते ना जाता कि ब्राउन नहीं हो जाता है। और ये देखिए सूजी में जाएगा इतने सारे ड्राई फ्रूट, किशमिश, बादाम और ये नारियल और काजू भी हैं इसमें थोड़े से। तो ये देखिए गाइस, और मम्मी भून रही है, अभी सूजी भून रही है, हमें इसे ब्राउन करना है जब तक कि ब्राउन नहीं हो जाता है। देखिए सॉरी शेडो पड़ रही है बट कोई नहीं, ये ब्राउन हो चुका है। अब इतनी देर करने के बाद मम्मी का हाथ भी दर्द करने लग गया है। अब इसमें जाएगा पानी ना मम्मी, चलो डालो पानी। गाइस पीछे रहना, ये बहुत वो करता है। प्रेशर कुकर का एक फ़ायदा तो है कि इससे बाहर नहीं आ रहा है पानी, जैसे कढ़ाई से आता है। डाल देना अपने अकॉर्डिंग, ये देखिए कितना भर भर के चीनी जा रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा। ड्राई फ्रूट्स गाइस, हमने इन्हें रोस्ट नहीं करा है क्योंकि हम ऐसे ही डालते हैं, रोस्ट करके ज़्यादा ही वो हो जाता है, वी डोंट लाइक। ये थोड़ी देर में बन जाएगी सूजी, तो मैं आपको अब लास्ट में मिलती हूँ जब हम खाना सर्व करेंगे। ओके। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर है हलवा, ये है आलू की सब्जी और ये है दाल और रोटी। तो ये है आज व्रत का खाना हमारा। तो अब हमने खाना खा लिया है गाइस, सबने खाना खा लिया और पेट बहुत भर चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ सोने। ये देखिए ये मेरा बेड है, मतलब वैसे तो मैं हाँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर आपको आगे और भी व्लॉग चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट्स में, मैं आपके लिए व्लॉग बनाती रहूँगी। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।